ये वाला सम है हमारा फीफो मेथड। इस सम में हम फीफो मेथड करेंगे। वेटेज आप खुद करके आप खुद करो ट्राई करने की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस विथ आंसर्स मिल जाएगा। आप वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये समझने के लिए चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले ले लीजिए, लिख लीजिए आंसर्स को, क्वेश्चंस को, एंड देन आफ्टर आप वीडियो को देखिए, तो वो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर आज के फीफो मेथड में मैं बेसिक चीजें बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने वेटेज में बताई थी। तो वेटेज में मैंने बताया था आपका पर्टिकुलर सॉरी परचेज, सेल्स एंड बैलेंस, ये तीन चीजें रहनी चाहिए। तीनों चीजों में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट रहना चाहिए। बैलेंस में आप क्वांटिटी एंड डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हो, तो इस तरह से आपको करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने। पहले मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देती हूँ। मिस्टर देसाई एंड को कंपनी, ए ट्रेडर ऑफ प्लास्टिक टॉयज, हैड 12,000 टॉयज वैल्यू एट ₹3 पर टॉयज। हिज परचेस एंड सेल्स ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ एंडिंग 31st December 2013 वेयर हैज फॉलोज। डेट, ट्रांजेक्शन्स, यूनिट रुपीज पर यूनिट। 27 जुलाई 2013 को सेल्स किया 5,000 टॉयज एट द रेट ₹20 ईच। 23 जुलाई 2013 को परचेस कैरी किया इनवर्ट ₹1,000, 10,000 टॉयज एट द रेट ₹15 ईच। 25 10 2013 को सेल्स किया, देन 26, देन 31st मार्च। तो आप रीड कर सकते हो। ओके, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू असेट इन क्लोज कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ एन ऑन हैंड ऑन 31st December 2013 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैथड, फीफो एंड वेटेज मैथड। फीफो करने वाले हम लोग, पहले आप कॉलम बना लो। कॉलम में स्टॉक लेजर फीफो मैथड ऐसा आप लिख दो, देन डेट, पर्टिकुलर, परचेस, सेल्स एंड बैलेंस। पर डेट में आप लिखोगे जो डेट रहेगी, पर्टिकुलर में इश्यू सेल्स जो भी है वो लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस, जीआर नंबर लिखना है, देन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, देन जीआर नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड देन बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, इस तरह से, और एंड अमाउंट, इस तरह से आपको कॉलम बनाना है। आई होप आप लोगों ने कॉलम बना लिया रहेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं सम करना। इस सम में करने से पहले ओपनिंग बैलेंस आपको हर सम में दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन दिया है। ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे ही दिया है 12,000 ट्वाइस वैल्यू एट ₹3 पर ट्वाइस। तो आपको कभी है ये, इस परचेस एंड सेल फर्स्ट 6 मंथ एंडिंग 31st डिसंबर 2013। ओके, मिस्टर देसाई। ओके, तो जुलाई फर्स्ट में, अब 31st दिसंबर, तो जुलाई फर्स्ट होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे 22 जुलाई है, तो 1 जुलाई हम लोग इधर कंसिडर करेंगे क्योंकि 22 है, देन जुलाई, जुलाई मंथ एंड ये मंथ है 10, तो इसलिए तो अक्टूबर मंथ है, देन दिसंबर, तो इसलिए। तो अभी देखते हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस होती है हमेशा 1 जुलाई, और क्लोजिंग से ही हम पता कर सकते हैं कि कभी क्या है। यहाँ पे 1 जुलाई को हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, 1 जुलाई ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में परचेस में कुछ भी नहीं आएगा, क्लोजिंग सेल्स में भी कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस में ही आपका आएगा क्या, 12,000 × 3। आप 12,000 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा 36,000। आप देख सकते हैं 12,000 × 3 36,000। तो ये 36,000 इस तरह से आपने कर दिया, देन एक लाइन खींच लीजिए। ओके, देन सेल्स, आपके क्वेश्चंस में सेल्स कितना दिया है, यहाँ पे 22 जुलाई को सेल्स है 5,000 ट्वाइस दिया है एंड 20 ईच बोला है। ओके, तो 5,000 सेल्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे 22 जुलाई सेल्स,
परचेस में डैश होगा, सेल्स में 5000 सेल्स एंड 5000। यहाँ पे जो ईच बोला है ना, इसको आप कंसीडर नहीं करना, जो 20, 15, 24 ये कंसीडर नहीं करना आपको। जो आपका परचेस रहेगा उसमें कंसीडर कर सकते हो, सेल्स में रहेगा नहीं करना। 5000 तो ऐसा आपको दिया है, 3 आप रेट यहाँ का लोगे एंड इंटू करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 15000। देन 12000 माइनस 5000 तो 7000, 36000 माइनस 15000 तो आपको 21000 मिलेगा। देन 21000 डिवाइड 7000 तो आपको 3 मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट प्लीज याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से ही क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट है 23 जुलाई 2013 परचेस किया है उस बंदे ने, परचेस किया है मिस्टर देसाई ने, एंड 10000 परचेस किया है ट्वाइस एंड 15 ईच रेट है, 15 के रेट में। तो आप क्या करोगे यहाँ पे परचेस, ओके ये परचेस किया 10000, देन अभी परचेस किया है तो एक मिनट, एंड 15 जो बोला है वो, ओके तो 10000 आपका आ गया, परचेस किया है आपने 10000, तो ये 10000 है एंड आपका इनवर्ड हुआ है 1000। तो आप कैसे करोगे, आपका 10000 है, 15 रेट दिया है आपको परचेस में, तो 15 आपने लिखा है ऑलरेडी। एंड आप सोच रहे होंगे 15 दिया है तो 10 आपने कहाँ से लाया, तो एक्चुअली में आपका यहाँ पे इनवर्ड बोला है 1000। तो आप करोगे 10000 डिवाइड 1000 तो आपको मिलेगा 10, तो 10 जो है तो आप लिखोगे 15.10। देन आप 10000 इंटू 15.10 करोगे तो इंटू करोगे तो आपको 1,51,000 मिल जाएगा। ओके देन आपको जब ये मिल गया और आप यहाँ पे थे, तो यही जो इधर का था आपका, इसी को आप यहाँ वापस रिपीट करोगे, देन आपका जो ये 10000 ये पूरा है इसी को एज इट इज कॉपी कर दोगे। ओके तो अब आप यहाँ पे लाइन खींच दोगे, इतना हो गया आपका। देन नेक्स्ट है 25 अक्टूबर को सेल्स किया, 8000 ट्वाइस था, तो 25 को सेल्स किया, परचेस में डैश होगा, 8000 ट्वाइस था। अब आपको 8000 ट्वाइस दिया है तो आप क्या करोगे, 8000 है हमारे पास, यहाँ पे अभी क्या है 7000 है, तो 7000 पूरा ले लोगे, ये रेट और अमाउंट तीनों ले लोगे। ओके देन अब आपका 10000 है, हमको 8000 चाहिए, तो 10000 और इसमें इस 10000 में से 1000 निकाल लो, तो इधर 1000 आ जाएगा, 15.10 रेट आएगा और इंटू किया तो ये आ जाएगा अमाउंट। ओके तो ये आपका इधर हो गया। अब आपका इधर ये तो फिनिश हो गया ना, ये पूरा हमने अमाउंट ले लिया, तो इधर नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। देन इधर 10000 था तो अभी 9000 बचेगा, तो 9000 आप यहाँ पे लिखोगे, 15 का ये एज इट इज एंड फिर इसको इंटू करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आप एक लाइन खींच दीजिए, अभी इतना पार्ट बाकी है। ओके फिर आपका आएगा 26 अक्टूबर को परचेस किया है, 12000 ट्वाइस है, 18 इंच। अक्टूबर 26 है तो अक्टूबर को आप में इसमें कुछ बोला है 12000 ट्वाइस है, यहाँ पे इनवर्ड बोला है, तो एज इट इज आप करोगे 12000 डिवाइड 1200 तो आपको 10 मिला, एंड यहाँ पे 18 ईच बोला है तो 18.10, यहाँ पे 1 के एमएन है, आप 0 एक आगे बढ़ा देना तो 18.10 हो जाएगा। देन 12000 इंटू 18.10 करोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। इस अमाउंट को अभी आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसी को एज इट इज आप यहाँ पे लिखोगे, देन जो ये 12000 18.10 जो भी है इधर का वो सब कॉपी कर लो इधर, देन लाइन खींच दो, इतना हुआ। ओके एंड नेक्स्ट है आपको सेल्स दिया है, 31 दिसंबर को सेल्स हो रहा है 13000 टॉयज का, तो 30 सेल्स आपका, देन यहाँ पे आपको कितना बोला है 13000 आपको क्वेश्चन में बोला है 13000। आपके पास इधर देखो कितना रुपीस है, आपके पास
अभी फिलहाल इतना रुपीज है, ओके। तो आपको 13,000 चाहिए, तो ये 9,000 पूरा इधर रख लो। 9 अभी कितना चाहिए, 10, 11, 12, 13, 4,000 और चाहिए 13 होने के लिए, तो 4,000 ले लो। इधर 12,000 था, तो 12,000 में से 4,000 चला जाएगा, तो 8,000 बचेगा। और यहाँ पे तो सब पैसा चला गया, तो यहाँ पे नील होगा, यहाँ का 8,000 बचा, तो इधर लिख दोगे। और यहाँ पे जो अमाउंट आया वो इधर, अभी जैसे इसका लिया तो इसका ये 4,000 इधर आ गया, और ये रेट वही रेट लेंगे, इंटू करेंगे, तो ये अमाउंट आएगा इसका, ये जो था एज इट इज लिया, ओके। देन आपका फाइनली ये आंसर आ रहा है, हमारा सम कंप्लीट हो चुका है, लास्ट 31 दिसंबर था। अभी क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या आया फाइनली, 8,000, एंड रेट आ गया आपका 18.10 एंड 14.4800 ऐसा क्लोजिंग बैलेंस। देन आप एक नोट लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2013 इज 8,000 यूनिट एट द रेट रुपीज 18.10, आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू रुपीज अमाउंट जो कि दिया है 14,04,800। तो ये था आप, सॉरी इधर 1,44,800 है, ओके। एंड ये था आपका सम, और ये था फीफो मेथड। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस तरीके से करके दिखाया, इससे हार्ड मुझे नहीं लगता आने वाला है, और बहुत ही इजी मेथड है, आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने करके दिखाया है। आई होप आपको समझा होगा, अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है, तो इसलिए आप भी हेल्प करिए दूसरों की, ओके। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, उनको बोलिएगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती हैं, ओके। और थैंक यू सो मच, अपने कॉलेज में प्लीज़ रेगुलर बैठिएगा, ट्राई करिए कि आप रेगुलर जा पाए, ओके।